ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो मैंने सुबह की चाय चढ़ा दी थी यहाँ पर, तो एक तरफ चाय बन रही है और ये मैंने रात में छोले डाल दिए थे पानी में भीगने के लिए, तो ये फूल चुके हैं। तो अभी इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। गर्म पानी डाल दिया है इसमें और साथ ही इसमें कुछ साबुत मसाले डाले हैं और ये पोटली चाय की पत्ती की बनाकर इसमें डालती हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और बस ये इलायची है इसमें, दालचीनी है और ये तेज़पत्ता, नमक सब कुछ डालकर इसको चढ़ा दिया था। तो एक घंटे के लिए इसको लो फ्लेम पर रख देती हूँ। तो आज ना लंच में छोले बनेंगे। तो जैसा कि सबको पता है, आज ना अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा का आज दिवस है, तो वहाँ उद्घाटन होगा। तो हम भी अपने घरों में पूजा करेंगे। तो बस यहाँ देखिए छोले बॉईल हो गए थे। तो मैंने ना सुबह आज नाश्ता नहीं किया था, सीधा यही लंच होगा हमारा। तो कुछ मीठा बनाने का भी था लेकिन मिठाई बाहर से आ गई थी, मार्केट की थी, तो फिर मैंने कुछ नहीं बनाया है। और यहाँ पर मैं फटाफट वाली रेसिपी भी शेयर करती जा रही हूँ छोले की। तो सरसों का तेल डालकर गर्म किया, जीरा डाला और उसमें प्याज लहसुन अदरक, और ये देखिए क्या हुआ है। जब जल्दी काम करती हूँ तो ऐसे ही होता है, सारा उछल के बाहर आया था। वो तो अच्छा रहा कि मैं बच गई, नहीं तो मेरे ऊपर ही छींटा पड़ सकता था। तो प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट यहाँ बनाकर इसको भूनना है। तो बहुत ही अच्छे से भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसके बाद जब ये भुन जाए अच्छे से, ऑयल इसमें रिलीज होने लगे, तब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, ये सभी डालकर इसको हल्का सा भूनना है एक मिनट के लिए। और फिर मैंने यहाँ पर छोले मसाला डाला है। तो जो भी ब्रांड का आप खाते हो, जो भी पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो था मैंने इसमें डाल दिया है। तो छोले मसाला की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ, फिर इसमें और मैं मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, जैसे गरम मसाला हुआ ये, या फिर कोई भी और ऊपर से मसाला नहीं डालती हूँ। अनारदाना होता है अगर तो डाल देती हूँ, पर मेरे पास नहीं था। फिर जब ये भुन गया मसाला, इसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाला है। तो तीन टमाटर थे मीडियम साइज़ के, ढककर इसको पकाना था यहाँ पर। और ये साइड में मेरे ना आंवले का जूस भी रखा है, वो भी मैं पीती जा रही थी, आज मैंने बनाते टाइम का शूट नहीं किया है। तो बस ये इसको ना पकने देना है टमाटर डालकर अच्छे से। तो देखिए आज ना बहुत बड़ा दिन है, खास दिन है हमारे श्री राम के लिए। अयोध्या में जो इतना बड़ा मंदिर बना है, उसका भव्य मंदिर की पूजा उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं मूर्ति में, तो फिर कुछ तो खास होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो अच्छा सा खाना बना लेते हैं, छोले पूरी और सब्ज़ी भी एक बनाऊंगी। तो यहाँ ये भुन गया था अच्छे से मसाला, फिर बस ये छोले जो थे बॉईल किए हुए वो इसमें डाल दिए थे। तो ये इसमें ना पत्ती डाली है, चाय की पत्ती, तो कितना अच्छा रंग इसका हो गया है। थोड़े से ये इस ना डार्क कलर के ही अच्छे लगते हैं पूड़ी के संग, और भटूरे के संग तो काले वाले छोले ही अच्छे लगते हैं। वैसे मैं भटूरे नहीं बनाऊंगी, पूड़ी ही सोच रही हूँ। तो आगे देखिए क्या बनता है। अब बस इसको ना लो फ्लेम पर पकने देना है, अच्छे से मिक्सअप हो जाए जब तक मसाला सारा। और ये मैंने यहाँ गोभी कट कर ली थी, तो फटाफट गोभी भी मैंने यहाँ छौंक दी है, और कुकर में छौंकी थी क्योंकि कढ़ाई ना खाली नहीं थी। और फिर ना बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई है घर में, या फिर बहुत छोटी है, तो मैं डेली में तो यही यूज़ करती हूँ, ये सबसे सही है इसका साइज़ ना, परफेक्ट है बिल्कुल। तो अभी थी नहीं खाली, तो मैंने कुकर में उसमें सब्ज़ी गोभी की छौंक दी है और यहाँ धनिया डाल दिया था। तो यहाँ सारा मसाला भुन गया था, इसके बाद मैंने गोभी ही डाली है। गोभी डालने के बाद आलू डाला है, और बाहर ना पटाखे चल रहे हैं जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ खूब सारे। तो बस अभी इसको चला लेना है। सब टमाटर प्याज सब भून कर मसाला इसमें मिला दिया था, गोभी और आलू,
और ऊपर से डाल दिया है नमक। बस अब इसको पकने दूंगी लो फ्लेम पर। और ये अदरक रह गया था तो ऊपर से मैंने अदरक डाल दिया है। तो ये भी बिल्कुल तैयार है बनकर। देखिए कितना अच्छा रंग आया है और ऊपर ना ऑयल आ गया है, तो इसका मतलब ये तैयार है बिल्कुल। थोड़ा सा और पका लेंगे 2 मिनट के लिए। और यहाँ गोभी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है। और ये शाम की तैयारी मैं कर रही हूँ, तो इसको ना धोकर दिए मैंने, सुखा दिए थे और इसमें ऑयल डाल रही हूँ। तो इसमें ना देसी घी पड़ता है लेकिन आजकल जम जाता है, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें ऑलिव ऑयल मिलाया है। और यहाँ अब मैं जाने की तैयारी मेरी हो रही है, ये मंदिर, मंदिर में आ गई हूँ। ये बहुत ही अच्छा यहाँ मंदिर है। तो यहाँ काफी सारे लोग थे और भजन कीर्तन चल रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही बड़ा सा मंदिर है, सुंदर है काफी। तो बस यहाँ प्रणाम किया भगवान जी को, बस सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं की, सबके साथ अच्छा करे भगवान, सबको खुशियां दे। मनोकामनाएं पूरी हो, स्वस्थ रहे सभी लोग। और यहाँ पंडित जी से तिलक लगवाया था और प्रसाद वगैरह सब कुछ लेकर यहाँ चढ़ा भी दिया था। फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ घूमे थे और बस फिर इसके बाद घर जाऊंगी। यहाँ ना लाइव चल रहा था, बहुत ही अच्छा बड़ी स्क्रीन पर लगा रखा था, काफी लोग देख रहे थे। और ये आ गई हूँ मैं फिर से घर पर। तो ये टीवी में मैं देख रही हूँ क्योंकि शुभ मुहूर्त जो 12:29 पर था, तब तक मैं घर आ गई थी। मुझे ये था घर में मैं दिया जलाऊंगी, तो यहाँ आकर फिर मैंने दिया जलाया था ठीक जितना मुहूर्त बताया गया था। और बस फिर इसके बाद ये भोग की थाली लगाई है और फिर हम लोगों ने भी खाया है खाना। तो यहाँ पर पूड़ियाँ भी सेक रही हूँ मैं, बेल कर पहले रख ली है थोड़ी सी, फिर एक साथ इसको सेकूँगी। तो है क्या, जब भी इस तरह का कुछ होता है ना, तो हमारे जितने भी सोसाइटी के हेल्पर होते हैं मैं उनको भी देती हूँ कुछ भी जो खाना बनता है। और हमारे घर में जो आती है उसको भी, सफाई कर्मचारी हमारे होते हैं, माली होता है, और जो भी ये होते हैं हमारी सोसाइटी के, तो उनको मैं दे देती हूँ। जितना भी मेरे से बनता है उतना मैं कर लेती हूँ, और नहीं तो मंदिर में दे देती हूँ थोड़ा सा। वैसे तो हिंदुस्तान में वो चढ़ाने के लिए मिठाई।
तो बस फिर यहाँ पर मैं पूड़ी फिर से तल रही हूँ। और मिठाई में लड्डू थे, तो लड्डू तो जो मैं कल गई थी ना अपने हाउस वार्मिंग की पार्टी में, वहाँ से मिले थे। और पेड़ा हम लोगों ने खरीदे थे पूजा के लिए आज के, तो बस हो गया था मीठा। वैसे मैंने सोचा था कि खीर भी बना लूँगी, पर फिर वही लगता है कितना मीठा हो जाएगा, सब कुछ खाना तो हमें ही पड़ेगा, तो फिर मैंने स्किप कर दी, खीर नहीं बनाई है। ले लीजिए। मैं तो सीखते जा रही हूँ। तो यहाँ पर फूली फूली पूड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। और ये आटे में मैं थोड़ा सा मोयन डालती हूँ, तो थोड़ी सी अच्छी क्रिस्पी बनती है। और नमक, अजवाइन और देसी घी का मोयन डालती हूँ, गर्म पानी से गूंथती हूँ सर्दियों में, तो बहुत ही अच्छी बनती है। और यहाँ मेरी सिस्टर लॉ आई थी, वो अपना खाना लगा रही हैं। तो आप लोगों ने क्या बनाया भोग में और कैसे पूजा की, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दिवस की। तो यहाँ पर ना मैं लगा रही हूँ अपना भी खाना, छोले हैं, सब्जी है गोभी आलू की, और पूरी है, और मीठे में तो लड्डू और पेड़ा था, तो ये मैंने रख लिया प्लेट में। भाई इतना नहीं खाया था मैंने, दिखाने के लिए रखा है। तो टाइम काफ़ी हो गया था, भूख भी लग रही थी, और आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो चलिए मैं अपना खाना खा लेती हूँ, और आप लोग भी खा लीजिए, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। भाई इतना ही अभी तो यहाँ से ऐसे ही कह सकती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बना था छोला, सब्ज़ी भी अच्छी बनी थी काफ़ी। और बस यहाँ पर मैंने खाना खाया अपना, और यहाँ से प्रसाद उठा के थोड़ा सा खाया था, क्योंकि जो चढ़ा देते हैं वो प्रसाद बन जाता है। वैसे भोग थाली में मैं प्याज नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैंने प्याज डाली है इसमें। और बस ये है शाम का टाइम, तो दिए भी जलाए हैं, रात का टाइम है एक्चुअली, और ये आज का ही ब्लॉग है। और अभी अभी मैं इसकी वॉइस ओवर करके पोस्ट करूँगी। तो बस आप लोगों को अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ अपने एडवाइस सजेशन दीजिएगा कि कैसे और बेटर से बेटर कर सकती हूँ अपने व्लॉग्स को। वैसे ठंडा थोड़ा कम होगा तो कुछ और डिफरेंट भी देखने को मिलेगा। ठंड की वजह से ना अभी कुछ भी काम इतना होता नहीं है एक्चुअली में, तो डेली रूटीन का जितना है जो भी होता है वो मैं शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये दिए, 5 दिए जलाए थे और रख दिए थे, कई लोगों ने जलाए हैं सोसाइटी में, अच्छा लग रहा था देखकर बहुत। और वेदर ना बहुत क्लियर था आज, फॉग नहीं था बिल्कुल भी, तो अच्छा लग रहा था बाहर देखने में। तो चलिए कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।